हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बख्शिंदर सिंह और आप सबका वेलकम है आज के व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गोवा की फेमस कैवलोसिम बीच देखने। ये देखिए शानदार नज़ारा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कैवलोसिम बीच का शानदार नज़ारा। क्यों फ्रेंड्स, है ना कमाल का व्यू। देखिए कितनी सुंदर बीच है और बीच के एंट्रेंस पर ही शेक भी हैं। फ्रेंड्स, ये बीच साउथ गोवा की फेमस बीचेस में से एक है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही साफ है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गंदगी दिखाई नहीं देगी और यहाँ का पानी भी बहुत क्लीन है, इसलिए यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेनर टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्लीन पानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बीच की लेफ्ट साइड में चलते हैं और थोड़ा बीच को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया शैक हैं और शैक में मोस्टली फॉरेनर टूरिस्ट बैठे हुए हैं। और ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है यहाँ से। अरे वाह, देखा फ्रेंड्स कितनी सुंदर बीच है। और ये देखिए थोड़ी सी आगे आने के बाद और भी शैक हैं और देखिए यहाँ से भी बहुत कमाल का व्यू दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर शैक की कमी नहीं मिलेगी, शैक बहुत हैं यहाँ पर। और ये देखिए, इन शैक के बाद में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जोन है। आप यहाँ पर सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय कर सकते हैं, जैसे जेट स्की, पैरासेलिंग, बिंगो राइड, बनाना राइड और स्पीड बोट राइड। और अभी इस समय कोई वाटर स्पोर्ट्स कर नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता था। और फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है, इस वजह से बीच पर ज़्यादा क्राउड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे जैसे शाम होएगी बीच पर क्राउड बढ़ जाएगा। और शाम के समय यहाँ पर तो बहुत ही कमाल का माहौल होता है, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं और बीच को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने कैवलोसिम बीच है जहाँ से हम आए हैं। और अभी मैं इस समय कैवलोसिम बीच और मोबोर बीच के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ तक पैदल चलकर पहुँचने में लगे मेरे को सिर्फ 20 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी इस साइड से मोबोर बीच है जो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बीच है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स इस बीच पर शैक थोड़े से कम होते हैं, लेकिन ये बीच बहुत ही कमाल की है। फ्रेंड्स, अब मैं बीच के सेंटर पॉइंट पर वापस आ गया हूँ और ये देखिए कितने कमाल का व्यू है। फ्रेंड्स, अब हम बीच की राइट साइड में चलते हैं क्योंकि हमने बीच की राइट साइड अभी तक नहीं देखी, और आगे चलकर देखते हैं हम कैसा व्यू है और कैसा माहौल है। ये देखिए पीछे शैक भी हैं, पहले मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने कमाल के शैक हैं और शैक में मोस्टली फॉरेनर टूरिस्ट बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सभी तरह का खाना इंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज, सी फूड, रशियन फूड और सभी तरह की ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी। और रात को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया माहौल होता है, हम वो भी देखेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी और आगे आने के बाद यहाँ पर भी कितने कमाल का शैक है, बहुत ही ब्यूटीफुल शैक है। कितने बढ़िया चेयर टेबल और अम्ब्रेला लगाकर अरेंजमेंट किया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया शैक हैं। और यहाँ पर भी ज़्यादातर फॉरेनर टूरिस्ट ही बैठे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरे शैक का व्यू एक दिखा देता हूँ। और देखिए, इनमें जितने भी टूरिस्ट हैं उनमें से मोस्टली सभी फॉरेनर्स ही हैं। और देखिए यहाँ से भी कितने कमाल का नज़ारा है। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी कितना सुंदर है और आज तो मौसम भी बहुत कमाल का है।
सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और हवा भी बहुत कमाल की चल रही है। और ये देखिए, अब मैं चलते चलते काफ़ी आगे आ गया हूँ। और देखिए यहाँ से कितने कमाल का नज़ारा है फ्रेंड्स। ये बीच बहुत ही लंबी है और चौड़ी भी बहुत है और सुंदर भी बहुत है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। और अगर हम इस बीच की लोकेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, यह बीच साउथ गोवा में है। और अगर आप इसकी लोकेशन को गूगल मैप में सर्च करेंगे तो बिल्कुल ठीक बताएगा। वास्को द गामा रेलवे स्टेशन जो कि साउथ गोवा में है, वहाँ से कैवलोसिम बीच लगभग 39 किलोमीटर है। दाबोलिम एयरपोर्ट जो कि साउथ गोवा में है, वहाँ से कैवलोसिम बीच लगभग 36 किलोमीटर। मडगांव रेलवे स्टेशन जो कि साउथ गोवा में है, वहाँ से कैवलोसिम बीच लगभग 15 किलोमीटर। पंजिम बस स्टैंड जिसको आप गोवा का सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, वहाँ से कैवलोसिम बीच लगभग 45 किलोमीटर है। और मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में नया बना है नॉर्थ गोवा में, वहाँ से कैवलोसिम बीच लगभग 74 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स, अब शाम के 5 बज गए हैं और बीच पर थोड़ा सा क्राउड बढ़ने लगा है। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्पीड बोट राइड के लिए जा रहे हैं। ये पहले बोट को धक्का मार कर बीच में लेके जाते हैं। ये देखिए, थोड़ा धक्का मारेंगे, गहरे पानी तक ले जाएंगे, उसके बाद में इंजन स्टार्ट किया जाता है। ये देखिए, अब उन्होंने इंजन स्टार्ट कर लिया और अब वो जा रहे हैं स्पीड बोट राइडिंग के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वाटर स्पोर्ट्स करने का मज़ा तो साउथ गोवा की बीचेस पर है, क्योंकि साउथ गोवा बीचेस पर जो वाटर स्पोर्ट्स के राउंड होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेट भी ज़्यादा होता है। और अगर आपको कम रेट चाहिए तो फिर वो नॉर्थ गोवा की बीचेस पर, लेकिन फ्रेंड्स उनके राउंड बहुत ही छोटे होते हैं और वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए, आपको साउथ गोवा में वाटर स्पोर्ट्स करना है या फिर नॉर्थ गोवा में वाटर स्पोर्ट्स करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब बीच पर चेयर टेबल लगाकर यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया है। और अब शाम हो गई है, थोड़ी देर में सनसेट होगा, लेकिन फ्रेंड्स आसमान में बादल बहुत हैं, इसलिए पता नहीं सनसेट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह से तो सूरज दिखाई दिया नहीं, लेकिन देखिए बीच पर कितना बढ़िया माहौल हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया माहौल है और कितना बढ़िया व्यू है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बीच है जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड क्राउड रहता है, ना ही क्राउड ज़्यादा होता है और ना ही क्राउड कम होता है। इसलिए अगर आप लो क्राउड वाली बीच पर इंजॉय करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको भीड़ भड़क्का ना देखना पड़े, बहुत ही शांत माहौल हो, शैक भी ज़्यादा हो, बीच भी सुंदर हो, तो फिर आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। और फ्रेंड्स, अब सनसेट हो रहा है लेकिन बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये नज़ारा बहुत कमाल का है। फ्रेंड्स, आप गोवा के किसी भी कोने में हो, उसके नज़दीक में जो भी बीच हो, शाम को सनसेट के टाइम पर वहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि सनसेट के टाइम पर ही बीच सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया चेयर टेबल लगाकर कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, अब सनसेट हो चुका है, जैसे ही अंधेरा होगा सभी शैक वाले लाइटें ऑन कर देंगे। बस अब 5 या 10 मिनट लगेंगे अंधेरा होने में, तब तक मैं आपको बीच का एक राउंड मार के दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया माहौल है, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, आपको इंजॉय करने के लिए बहुत जगह है यहाँ पर। आप यहाँ पर बहुत ही आराम से पानी में भी इंजॉय कर सकते हैं और बाहर शैक में भी इंजॉय कर सकते हैं और बीच पर भी इंजॉय कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और अपने गोवा टूर की मेमोरीज को इकट्ठा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब अंधेरा हो गया है और सभी शेक वालों ने लाइटें ऑन कर दी हैं और सभी शेक में म्यूज़िक भी चल रहा है। और देखिए कितना शानदार नज़ारा है। आप चाहे तो बीच पर बैठकर कैंडल लाइट डिनर एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप लाइट में बैठना चाहते हैं तो शेक में बैठकर डिनर एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज, सी फूड, रशियन फूड सब मिल जाएगा और हर तरह की ड्रिंक भी मिल जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर दिल खोल कर पार्टी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार अरेंजमेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, भले ही आप गोवा की कोई सी भी बीच पर हो या किसी भी शैक में हो या फिर आप किसी भी रेस्टोरेंट में हो, खाना ऑर्डर करने से पहले मेन्यू ज़रूर चेक करें, क्योंकि कुछ शैक या रेस्टोरेंट में खाने का रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप पहले मेन्यू चेक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप गोवा का टूर प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि साउथ गोवा के बीचेस पर ज़रूर आएं, क्योंकि साउथ गोवा के बीचेस बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही साफ़ हैं, और यहाँ पर शेक भी बहुत कमाल के हैं। आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप कैवलोसिम बीच का नाइट व्यू को एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको गोवा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।